देखा था, लास्ट क्लास में ये लोग देख चुके थे। पिक क्या होता है एक बार हम ब्रेक कर देते हैं। लार्ज डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म मतलब एनालाइज करने के लिए हम लोग पिक का यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म तीन टाइप का प्रोसेस जो प्रोसेस होता है हमारा पिक में, ETL में होता है। ETL और ELT, E स्टैंड फॉर स्टैट, L स्टैंड फॉर लोड और T स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेट हम लोग इस रूप से करते हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा था आपका लोड, लोडिंग हम लोग करते हैं हाइव में, हाइव के थ्रू लोड करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपका हडूप में दो तीन चीजें यूज होता है, पहला आपका पिग हो गया, दूसरा हाइव और तीसरा स्पार्क। पिग हम लोग देख रहे हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक जस्ट हमारा हाइव होगा और देन स्पार्क का भी हम ओवरव्यू दे देंगे आपको। अभी के टाइम पे हर एक कंपनी में आपका पिग, हाइव एंड स्पार्क यूज है, एप्लीकेशन में होता है, ठीक है। तो पिग क्या होता है, लार्ज डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए हम लोग पिग का यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पिग का यूज करते हैं। पिग लैटिन लैंग्वेज, पिग लैटिन क्या होता है, मतलब लैटिन शब्द से लिया गया है पिग, और इंग्लिश के जैसा इसका होता है सिंटेक्स, इंग्लिश के जैसा ही लिखते हैं, जैसे लोड लिखे तो डेटा लोड हो जाता है, इसलिए इसको पिग लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पिग का मोड, टोटल दो मोड होता है पिग का, एक होता है आपका लोड रन और दूसरा होता है मैप रिड्यूस। लोकल मोड जो होता है हमारा, हमारा पिग लोकल में रन हो या मैप रिड्यूस में रन हो, वो आपका ग्रंट सेल में ही रन होता है। जैसे पाइथन का पाइथन सेल इस टाइप का होता है, इसी टाइप से पिग का ग्रंट सेल होता है, ठीक है। अगर आपको पिग को लोकल से ऑन करना हो तो आपको कमांड लिखना होता है पिग माइनस एस और यहां पे लिखते हो आप लोकल, आपका ग्रंट सेल इससे ओपन हो जाता है और ग्रंट सेल ओपन होता है। लेकिन ये लोकल से जब आप पिग को ऑन करते हो तो ये स्टैंड एलोन मोड में रन होता है, मतलब एक ही मशीन रन होता है एक टाइम पे, ठीक है। और अगर आप पिग को मैप रिड्यूस मोड में, मैप रिड्यूस मोड कहने का मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में ऑन होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पैरेलल प्रोसेस, ये साथ मल्टीपल मशीन वहां पर रन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में। और मैप रिड्यूस मोड से ऑन करने के लिए कमांड ये सेम ही होता है, बस यहां पे आपको लिखना होता है मैप रिड्यूस। तो आपका पिग क्या होता है, मैप रिड्यूस मोड में ऑन हो जाता है। लेकिन नॉर्मली आप कुछ ना लिखो, सिंपल अपना टर्मिनल ऑन करके, टर्मिनल आपका ऑन हुआ और यहां पे नॉर्मली आप पिग नहीं लिखते हो तो आपका ये बाय डिफॉल्ट मैप रिड्यूस मोड में ही ऑन होता है। यहां तक लास्ट क्लास में हमारा हुआ था। आज हम देखते हैं पिग का डेटा टाइप, मतलब पिग में, जब पिग में प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, तीन चार प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसमें देखते हैं पिग का डेटा टाइप टोटल कितना होता है। एक नया विंडो हम ले लेते हैं, पिग डेटा टाइप। पिग के डेटा टाइप को दो पार्ट में पहले तो डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा होता है इसमें कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। क्लियर हुआ? प्रिमिटिव में आपका क्या आ जाएगा, इसमें नॉर्मली आता है आपका इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, इंटीजर फ्लोट लॉन्ग, उसके बाद आया आपका चार एरे, बाइट एरे, और आपका हो जाएगा इसी में एक होता है डबल। ये सब आप नॉर्मली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हैं तो वहां पे ये आपको देखने को मिलता है। इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, ये हमको, और डबल क्या होता है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग नोन होना इस टर्म से। इंटीजर का ये लार्ज सेट क्या होता है, लॉन्ग होता है, और फ्लोट का ही जब डबल होता है। क्लियर हुआ? एक आया चार एरे, मतलब जो भी स्ट्रिंग है उसको सेव करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग को यूज करने के लिए चार एरे डेटा टाइप यूज करते हैं, और सिंगल कैरेक्टर को यूज करने के लिए बाइट एरे यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ये आपका हो गया, इतना तो नोन हो। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में क्या होता है।
कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में पी में होता है आपका, एक होता है टपल और दूसरा होता है बैड, ठीक है। टपल आपको नोन होगा, पाइथन में डेटा टाइप में आपने पढ़ा था टपल। टपल का क्या था अगर बोला जाए तो पैरेंथेसिस के अंदर लिखते थे, कॉमा से सेपरेट करते थे, लेकिन टपल फिक्स होता था, उसमें चेंजेज अप्लाई नहीं कर पाते थे, रिपीटेशन अलाउ होता था, टपल में नहीं होता था, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होता था लेकिन चेंजेज अलाउ नहीं होता था, ठीक है। तो यहां टपल को समझते हैं, टपल क्या होता है। मान लो एक टेबल है आपका, यह है नेम है, यहां पे एक आईडी ले लेते हैं, नेम रोल ले लिए और यहां पे मार्क्स ले लिए, आईडी यहां पे 121 122 123 124 125, नेम राज रमन आयुष, ठीक है ना, स्पेलिंग जी, रोल नंबर 25 33 141 241 27 80, मार्क्स 70 80 40 35, पांच ही है ना डिटेल जी, 1 2 3 4, इसमें 6 आ गया है, 1 हटा दो, 3 2 5, ठीक तो है, हाँ छूटा नहीं है, ऊपर पड़ गया, यहां पे गए थे हम 70, डिटेल है। अब यहां पे टपल क्या होगा और बैग क्या होगा इसको समझते हैं। ये आपका कंप्लीटली रो है, इसको रो बोलते हैं ना जी, और ये क्या है, कॉलम है। तो ये जो रो होता था डेटाबेस में आपका, इसको हम बोलते हैं यहां पे टपल, ठीक है। और ये कलेक्शन ऑफ रो, ये दो चार रो को एक साथ अगर हम लिख दें, सारे रो को एक साथ लिख दें, कॉमा से सेपरेट कर दें, तो ये आपका बन जाता है बैड। जैसे एक कॉलम में कंप्लीटली एक कॉलम का डिटेल हमने कॉमा से यहां पे लिखा, फिर दूसरा कॉलम यहां पे लिख दिया, तीसरा रो हमने यहां पे लिख दिया, और इसको पूरे को एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिख दें, तो ये हमारा बैग बन जाता है। क्लियर हुआ? तो यहां पे कहां थे जी, यही थे ना कॉम्प्लेक्स वाले, यही थे ना जी। टपल क्या होता है, जस्ट लाइक पाइथन के जैसा ही होता है, लेकिन आपका जो एक रो होता है उसका कंप्लीट डिटेल यहां पे आपने लिख लिया, मान लो 121 रवि 25 एंड 70, ये आपका हो गया टपल, ठीक है। और मान लो इसी में यहां पे आपने 122 राज 27 एंड 75, मतलब कंप्लीट सारे डिटेल को आप एक जगह पे ले आते हो और उसको एक करीब ऐसे स्टैंडर्ड लिख देते हो, तो ये हो जाता है आपका बैग। तो डेटा टाइप समझ में आया, मतलब इतना ही डेटा टाइप हम लोग एप्लीकेशन में लेंगे। अब यहां पे एक चीज और समझने वाला है कि आपको लास्ट क्लास में हम बताए थे कि कोई भी कॉलम को हम बैग का ची बना सकते हैं। बैग में बैग जब आप बनाओगे तो एक को आपको ची बनाना होगा, जैसे टेबल में आपका एक प्राइमरी की होता है ना, तो यहां भी एक आपको ची बनाना होगा, और जिसको भी आप ची बनाओगे वो यूनिक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहो तो सब में यूनिक है, तो इसको ची बना लो, इसको ची बना लो, इसको ची बना लो, इसको ची बना लो, तो उस पर आपका सॉर्टिंग अप्लाई हो जाएगा कोई भी चीज एप्लीकेशन करेंगे तो, ठीक है। तो बैग का फॉर्मेट क्या होता है, यहां पे तो सारा
यहाँ है जी, ये है ना सारा यहाँ पे आया। और इसमें क्या होता है ना, सारा टेबल से पहले आपका एक यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे एक होता है की, जिसको भी हम की बनाएंगे उस पर एप्लीकेशन वो हो जाएगा। कोई भी कॉलम को हम की बना सकते हैं, ठीक है, की बनाएंगे उसके बाद फ्लैटन करेंगे। मान लो रवि का ही हमको डिटेल, तो 22 रोल नंबर का हो सकता है ना, मल्टीपल मार्क्स आया हो, मल्टीपल सब्जेक्ट पे मार्क्स आया हो, तो 22 पे उसको फिल्टर कर लेंगे सारे पे, आईडी पे बनाए तो 121 पे 122 पे सारे पे फ्लैटन हो जाएगा। ये डेटा टाइप आपका क्लियर हुआ।